हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 19 इंसेक्ट। बेटा देखिए, ये क्या है आपका एक तरह का डिस्कशन दिया, उसको एक क्लू आपका दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। इंसेक्ट आर सिक्स लेग्ड इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट क्या है, रीढ़ विहीन होती है, लेकिन उसकी क्या होती है, छः पैर होते हैं। देयर बॉडी सपोर्टेड बाई अ टंग एक्सोस्केलेटन, ठीक है। उसकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, इसको एक्सोस्केलेटन को सपोर्ट करती है। मेनी इंसेक्ट आल्सो हैव विंग्स विथ हेल्प देम टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट ऐसी होती है जिनके पास क्या होती हैं, पर होते हैं, ठीक है, विंग्स होती हैं, जिसके कारण ही वो क्या है, उड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो टंग की, इसको बारे में आपको पढ़ना है, देखिए ध्यान से। द आइज ऑफ एन इंसेक्ट आर मेड ऑफ मेनी स्मॉल इंडिविजुअल आइज। वॉट आर सच आइज कॉल्ड। एक ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, ठीक है, जो क्या है, बहुत ही उसकी खुद की छोटी इंडिविजुअल आइज होती हैं। उसकी वो आइज उसकी क्या कहलाती है, हमें वो इंसेक्ट के नाम के बारे में बताना। मतलब वो कई छोटी छोटी आँखें अपनी क्या करता है, इंडिविजुअल आँखें बनाता है। तो वो क्या है आपको, उसको हम कहते हैं कंपाउंड आइज। क्या कहते हैं, कंपाउंड आइज। नेक्स्ट, दिस इंसेक्ट हैज ईयर विच आर सिचुएटेड ऑन इट्स फ्रंट लेग्स। ये जो कीड़ा है, ये इंसेक्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके कान हैं, लेकिन वो कहाँ पर है, उसके सबसे फ्रंट लेग के पास, फ्रंट लेग पर, ठीक है। तो वो क्या है आपका, उसको हम कहते हैं क्रिकेट। आंट बीज एंड टर्मिट्स लिव इन लार्ज ग्रुप। आंट्स बीज और टर्मिट्स क्या है, बहुत लंबी ग्रुप में रहता है। वॉट काइंड ऑफ इंसेक्ट आर दे, तो किस प्रकार का इंसेक्ट है हमें बताना है। तो क्या है आपका, सोशल, सामाजिक है कि नहीं, क्योंकि कई एक समिति में रहता है, एक ग्रुप में रहता है। दिस वॉक्स मेक देयर नेक्स्ट विथ मड। ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, अपना घोंसला, घोंसला भी बोल सकते हैं, या अपना मड खुद तैयार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरह का वो ततैया है, ठीक है, हिंदी वर्ड में ततैया बोला जाता है। तो उसे वो क्या है आपका, उसको हम कहते हैं वाटर वॉस्प्स, ठीक है। दिस इज पॉइजनस एंड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक क्या है, जहरीला चींटी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, बुलडॉग आंट। नेक्स्ट, एन इंसेक्ट एक्चुअली काइंड ऑफ बीटल्स विच कैन सर्वाइव बाय ईटिंग इट्स ओन डिसगार्डेड स्किन, ठीक है। ये एक प्रकार का एक ऐसा कीड़ा है जो एक प्रकार की काइंड ऑफ बीटल्स है, ठीक है, जो सर्वाइव क्या करता है, उसकी खराब हो जाती है ना, उस स्किनों को वो क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेट बीटल। दिस इंसेक्ट मेक कॉन्टिन्यूस हाई पिच साउंड आफ्टर इट्स गेट डार्क। देखिए, ये इंसेक्ट जो है वो लगातार एक हाई पिच में अपना साउंड क्रिएट करता है, वो कौन सा है, उसको हम क्या कहते हैं, किकाड़ा। दिस स्मॉल इंसेक्ट दैट वी सी इन आवर हाउस हैज 47 टीथ। ये एक छोटा सा कीड़ा है जो क्या कहते हैं, जो ज़्यादातर अपने घर में ही दिखाई देता है, जिसके 47 दांत होते हैं, ठीक है, वो कौन सा है आपका, उसको हम कहते हैं मॉस्किटो, ठीक। दिस इंसेक्ट लेज अबाउट 20 मिलियन एग्स इन इट्स लाइफ टाइम और अप्रॉक्सीमेटली 1500 एग्स इन अ डे। देखिए, ये एक ऐसा कीड़ा है जो क्या कहते हैं, जैसे जिसकी एक लय निकलती नहीं है, जिसके अंडे में से तार जैसा, ठीक है, उसके पास क्या है, 20 मिलियन एग्स है उसकी लाइफ टाइम के लिए, और अप्रॉक्सीमेट वो एक दिन में 1500 अंडे उसके निकलते हैं। वो क्या है, उसको हम कहते हैं क्वीन हनी बी। फिर, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट हनी बी इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा हनी बी पूरे वर्ल्ड में है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सिरसा, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा एक क्लू के जैसा आपका था, तो इसको आपको कहना है, ये नहीं बनाना है आपको, आपको उसके जस्ट उसके सामने उसका आंसर लिखना है, ठीक है। थैंक यू।